तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, और मेरे साथ हैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में जो योग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर डॉक्टर राकेश गिरे जी, वो हेड भी रह चुके हैं। उनसे पूछते हैं कि योग में स्कोप क्या है, और जानेंगे कि स्टूडेंट और क्या करें जिससे योग का कोर्स करने के बाद उनको रोजगार ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक संदेश के रूप में सर पूछना चाहूंगा कि अगर कोई विद्यार्थी योग का कोर्स करना चाहता है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर योग के फील्ड में अपना रोजगार तलाशना चाहता है, योग को अपना करियर बनाना चाहता है। देखो, एक तो आदमी को अगर अपने हाथ जगन्नाथ के तौर पर अपना बिजनेस होना करना चाहता है और योग फील्ड में ही अपना हाथ अपनाना चाहता है योग कोर्स करने के बाद, उसको एक तो सोशल होना पड़ेगा। सोशल का मतलब है मिलनसार एटीट्यूड होना चाहिए सोसाइटी में। जब तक आप मिलनसार एटीट्यूड मीठा बोल करके लोगों को आप संतुष्ट नहीं कर पाओगे, तब तक आप अपने फील्ड में फील्ड में कामयाब नहीं होंगे। लोगों की डिमांड क्या है, लोगों को डिमांड के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी बात करो, ना कि अपनी बात उनके ऊपर थोपो। दूसरा, भाषा का कौशल, भाषा प्रॉपर भाषा का कौशल भी होना भाषा का चाहिए कौशल होना जिससे कि चाहिए। दूसरे को आप प्रभाव डाल सको कि हाँ पॉजिटिव, योग से पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। कन्विंस कर सके सामने वाले को, हम कन्विंस कर पाए, समझा हाँ, सके कि योग से कन्विंस फायदा। कन्विंसिंग पावर भी होनी चाहिए, भाषा का कौशल भी होने चाहिए। आप अपनी बात, आपको तो अच्छी तरह से आता है लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, संचार माध्यम प्रॉपरली नहीं है। मतलब मिलनसार हो, भाषा का कौशल उसके अंदर हो, और सब्जेक्ट की नॉलेज हो, लोगों की डिमांड क्या है उस चीज को अच्छे से डिलीवर और कर पाए। लोगों की डिमांड के अनुसार चले, डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार अपना बिजनेस चलता है। हाँ डिमांड जैसी होगी वैसे ही ढलना पड़ता है। तो अभी हमने सर से जाना कि योग के फील्ड में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। अगर आप फील्ड में आना चाह रहे हैं तो सर ने बताया कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आपका पब्लिक जो रिलेशन हो भी अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ सब्जेक्ट की नॉलेज हो और ये पता हो कि लोगों की डिमांड क्या है, तभी आप इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। सिर्फ देख के कि योग का फील्ड काफी बूम हो रहा है, हम जाके एडमिशन ले लें, कोर्स कर लें, सिर्फ इससे आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली है। आशा है आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और सोच समझ कर उसके बाद अपना निर्णय लेंगे। आपको मैं एक जानकारी और दे दूं कि मैंने अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया है, योगा विथ रमन नाम से, यानी जो चैनल का नाम है उसी नाम से ऐप भी है। आप प्ले स्टोर में जाके योगा विथ रमन टाइप करिएगा और वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे डाउनलोड करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो कह रहे थे मुझसे योग सीखना चाह रहे थे, तो आप उस ऐप के माध्यम से मुझसे ऑनलाइन घर बैठे योग सीख सकते हैं। बहुत सारे फ्री वीडियोज हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज भी हैं, आप अपनी जरूरत के अनुसार कोई भी कोर्स बाय कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि एक बार उस ऐप को डाउनलोड करें, अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा कि आपको ऐप कैसा लगा।